नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुक विद उषा चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन का चीला। बेसन का चीला जो है वो बहुत ही जल्दी बनने वाली स्नैक्स है। जब भी आपका रोटी बनाने का मन ना हो या आपके पास टाइम कम हो तो आप फटाफट से बेसन का चीला बनाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। तो चलिए सभी सब्जियों को हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर। और फ्रेंड्स, आपके पास जो भी सब्जियां हो आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने ली है वही आपको लेनी है। अगर आपके पास ज़्यादा सब्जियां नहीं हैं तो आप सिंपल प्याज और टमाटर से भी काम चला सकते हो। तो यहाँ सारी सब्जियां मैंने डाल दी है एक बाउल के अंदर। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक का, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। एक ही चम्मच डालेंगे मिक्स्ड हर्ब्स का या गरम मसाला। मिला लेते हैं इसको अच्छे से। जब भी आप ये स्टफिंग तैयार करें तो बहुत ज़्यादा देर पहले से तैयार करके मत रखिएगा, नहीं तो नमक जो है वो पानी छोड़ देगा। हो सके तो आप नमक उसी टाइम डालिए। तो चलिए अब हम घोल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कप बेसन का लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे दो चम्मच दही के, एक चम्मच हम डाल देंगे नमक का, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिएगा। एक ही चम्मच डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर का। रेड चिल्ली पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, क्योंकि इससे कलर अच्छा आता है। एक चम्मच गरम मसाले का डाल दिया। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। पहले आप इसका एक थिक बैटर तैयार कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हमने एक साथ डाल दिया तो इससे क्या होगा कि लम्स बनेंगे, और अगर गुठलियाँ बन गई तो फिर चीला भी अच्छा नहीं बनेगा और आपको इसको घोलने में भी परेशानी होगी। फिर गुठलियाँ हटाने में आपको डबल टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही आप पानी डालिए। और इसमें कितना पानी लगा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अच्छे से इसको आप घोल लीजिएगा। देखिए, मैंने भी पहले थिक बैटर तैयार किया है, उसके बाद ही पानी डाल रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी लगा है। इसी कप से मैंने बेसन लिया था और आधा कप पानी का लगा है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह का हमारा घोल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो अब हम चीला बनाते हैं। उसके लिए तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाएंगे। और अगर आप तेल ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो देखिए, इस तरह से आप टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से तेल को पोंछ भी सकते हो, क्योंकि जो हमारा तवा है वो ग्रीस हो चुका है, अब तेल की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक तवे पर नहीं बना रहे हो, सिंपल तवे पर बना रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा तेल तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब घोल को डाल देंगे तवे के ऊपर। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का इसे आप घुमा लीजिए। और बहुत ज़्यादा ना ये पतला होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। अब सब्जियां इसके ऊपर डाल देंगे। हल्का सा इसको आप टैप कर लीजिए, देखिए इस तरह से। घोल डालने के तुरंत बाद ही आपको सब्जियाँ डालनी पड़ेगी इसके ऊपर, तभी आपकी सब्जियाँ अच्छे से चिपकेगी। और जब ये थोड़ा पक जाए तो उसके बाद आप हल्का सा तेल डाल दीजिए। और अगर आप नॉन स्टिक पर नहीं बना रहे हो तो आप इसके चारों साइड भी तेल लगा लीजिए। अब थोड़ी देर आप इसे पकने दीजिए। और देखिए, इसका कलर भी ऊपर से चेंज हो चुका है। अब पलट लेंगे इसे। वाव, कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है हमारा चिल्ला, देखने से ही लग रहा होगा आपको। अब पकने देंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है चीला बनाना।
कोई भी इसे आराम से बना सकता है और बहुत ज़्यादा इसमें सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप भी बनाइए चिल्ला, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी तरह की रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर भी क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।